Assalamualaikum, this is Varda Shoaib and once again welcome to रिवायतों की लज्जत, जहाँ पे हम शेयर करते हैं आपके साथ रिवायतों भरी लजीज लजीज मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो कि डिफरेंट होती हैं, हट के होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी कम्युनिटी से बिलोंग कर रही होती हैं और वो रिवायत को हम दोबारा ज़िंदा रखते हैं जो कि जायके हम कभी अपनी नानी दादी के हाथ के खाया करते थे, लेकिन अब वो वैसे खाने हमसे बनते नहीं हैं। तो इसीलिए आज भी एक रिवायती रेसिपी जो है हम आपके साथ लेके आए हैं शेयर करने के लिए, लेकिन जिन गेस्ट को मैंने आज इनवाइट किया है वो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, बहुत सारे ड्रामों में काम कर चुकी हैं, एक एक्ट्रेस हैं और उसके अलावा मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। डिफरेंट मॉर्निंग शोज पे भी आपने उनको देखा होगा, लेकिन उनकी एक ख़ास बात बताऊँ मैं आपको। वैसे ख़ुद तो उनका ताल्लुक जो है वो अफ़गानिस्तान से हैं, वो पठान से ताल्लुक़ रखती हैं, पठान हैं, लेकिन वो बलोची फैमिली में जो है वो शादी होके गई हैं और जो आज वो बना रही हैं वो हैदराबादी खाना बना रही हैं। तो ये चक्कर क्या है, आइए उन्हीं से पूछते हैं। तो बुलाते हैं हम सदफ़ उमैर लगारी को। आइए सदफ़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, तुम बताओ इतने दिनों बाद। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सदफ़ बताओ आज क्या बना रही हो? हैदराबादी बिरयानी बना रही हूँ क्योंकि ये एक स्पेशलिटी है दक्कन की डिश है बेसिकली। हाँ। अच्छा, और ऐसी हैदराबादी बिरयानी जो सदफ़ बनाती हैं वो यहाँ पे आपको नहीं मिलती है ना, ऐसी बिरयानी मैं कहूँगी कि रेसिपी ये शेयर की गई होगी अब तक, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि इसमें प्याज ब्राउन नहीं होते, इसमें प्याज जो है सिर्फ पानी में थोड़ा सा इसको स्टीम देकर हल्के से नरम करके आपने बस इसमें ऑयल डालना होता है और इसमें टमाटर नहीं डालता। अच्छा, एक दही डालता आप है। करके दिखाएं साथ, साथ मैं करके दिखाती हूं। आप आ जाओ, आज मेरी ड्यूटी यहाँ नहीं है। हाँ जी सदफ़, तो कहाँ से शुरू कर रही हैं? देखिए मैं अब आपको बताती हूँ कि एक्चुअली इसमें प्याज को हम क्या करते हैं, आपने फ्राई नहीं करना है, सिर्फ बस ये प्याज गले और मुझे पानी चाहिए। पानी जग में रखा हुआ है, मैं तुम्हारी हेल्प भी करती रहती हूँ साथ के साथ ना, थोड़ा बहुत अगर इफ़ यू डोंट माइंड। हाँ ये बड़ी प्रॉब्लम होती है लड़कियों को कि यार आप क्यों मेरे खाने पकाने में आ रही हैं। अरे ये मेरे साथ मसला है ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि कोई आके चम्मच भी चलाए या तो आओ वरना तुम रोटी बेल लो, मैं सेक देती हूँ। नहीं नहीं मैं खुद कर लूँगी। अच्छा हम थोड़ा सा इसमें ऑयल भी डालते हैं। अच्छा अच्छा, पहले मुझे बता तुम कितने किलो की बिरयानी बना रही हो? मैं बना रही हूँ 1 किलो की। 1 किलो की बिरयानी, चिकन 1 किलो है? हाँ चिकन 1 किलो है। आप चाहें तो कम चिकन भी डाल सकते हैं और अगर किसी को चिकन ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ओके अच्छा, अब हम इस पर ना हरी मिर्चें भी डालते हैं इस तरह करके, सही सिर्फ 2 हिस्सों में। अच्छा आपने प्याज नहीं बताई सदा, प्याज कितनी ली है? प्याज मैंने लिए 4, 1 किलो में 4 प्याज बहुत होती है, मीडियम साइज। हाँ अच्छा, अब हम इसे बस इस तरह रख देंगे। अच्छा हरी मिर्ची कितनी डाली है इसमें? अकॉर्डिंग टू टेस्ट, मैं थोड़ी मिर्ची ज़्यादा खाती हूँ तो मैंने ज़्यादा डाली है। अच्छा। अगर कोई कम खाता है तो वो कम डाल सकता है। सही, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ग्रीन चिलीज जो है वो। हाँ लेकिन मैंने 8-9 डाली हैं इसमें। सही 8, ठीक है ना। अच्छा बाकी इसमें हम नमक ऐड करते हैं। अच्छा अभी हम चावल भी बॉयल कर रहे हैं, चावल भी साथ साथ बॉयल कर लेते हैं। ऑलराइट, सदफ यूजुअली घर में कुकिंग कर रही होती है? यार मैं बहुत कुकिंग करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मैंने अभी कोरोना में इतनी कुकिंग की है, बेकिंग भी की है, कुकिंग भी की है। चले जी, कहाँ तक प्याज पहुँची? अच्छा अब देखो ये हल्का हल्का ना बॉयल बॉयल आना शुरू। हाँ तो हम इसी पानी में ना इसको प्याज को बस ड्राई करें। अच्छा ये पानी पूरा खुश कर लें? हाँ तकरीबन, यानी कि 1 कप पानी डाला है, 1 कप पानी डाला इतना कि प्याज नरम हो जाए, नरम हो जाए और पानी भी जो है वो खुश हो जाए ताकि प्याज और हरी मिर्चें दोनों जो है वो सॉफ्ट हो जाए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही। बाकी ये पानी अभी बॉईल नहीं आया है, हम वो जब तक चावल के लिए पानी बॉईल करने का हाँ, कर लेते हैं। टेस्ट कर लिया उसे। अच्छा इसमें मसाले भी बहुत कम जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा नॉर्मल मसाले हैं, जीरा है, धनिया है, आपका जायफल, जावित्री, लहसुन अदरक, हल्दी, मिर्ची। अच्छा ये नॉर्मल मसाले, चटपटी भी नहीं होती ना, हल्के मसाले की होती है। यार ये खट्टी होती है, खटास होती है। हाँ क्योंकि इसमें ना दही डलती है। अच्छा हैदराबाद में वैसे भी ज्यादातर खट्टी चीजें, खट्टी दाल, हर चीज, खट्टे आलू, खट्टी दाल, हाँ खट्टे बैंगन, सब कुछ खट्टा खट्टा। अच्छा तो तुम्हारी सास वहाँ ताल्लुक करती है तो मुझे बताओ कि रीज़न क्या है, यानी कि वहाँ पे क्यों इतना ज़्यादा एक खटाई पसंद की जाती है, कोई इसके पीछे कोई स्टोरी है या ये कुछ स्टोरी है? मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या स्टोरी है, लेकिन हाँ ऐसा है कि खटाई को बहुत वहाँ पे प्रेफर किया जाता है। हाँ। हर चीज़ में ना खटाई, जैसे अब मेमन्स में भी ना बहुत ज़्यादा खट्टा 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 बहुत होता है, तो मुझे नहीं पता कि क्या रीज़न है। ये तुम बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं पूछूंगी, पूछना जाके और फिर मुझे बताना। हाँ। क्योंकि मुझे ये चीज़ है एक क्यूरियोसिटी कि यार क्यों हर चलो एक समझ में आता है, चलो दाल खटाई में अच्छी लगती है, हम भी बनाते हैं घर में दाल में कभी कभी इमली डालते हैं फ्लेवर चेंज करने के लिए, लेकिन खट्टे आलू, खट्टी दाल, खट्टे बैंगन। देखो तुम ये दुखती दुखती रख पे हाथ रख रही हो क्योंकि मुझे
खट्टे आलू, खट्टे बैंगन, खट्टी दाल मैंने सीखी नहीं क्योंकि मुझे मिली पसंद ही नहीं है। और मेरे मियाँ को सिर्फ पसंद ये खट्टी दाल खिला दे जिंदगी में मुझे, मैंने कहा सब खिला दी आप क्या खिला दो। अच्छा खुश नहीं होना ना, खुश नहीं होना। तुमने ये चीज़ें सीख ली कि एक तो पहली बात तो है कि मैं कहूँगी किसी भी लड़की के लिए वो उनके हस्बैंड की यानी अपनी मदर इन लॉ वाला टेस्ट जो है वो अडॉप्ट करना, वो टेस्ट डेवलप करना बड़ी बात, बड़ी एक बात होती बहुत है, बड़ी बात वो अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट होता है कि जब डाइनिंग टेबल पे खाना सर्व हो और जब सब टेस्ट करें और बोलें कि यार ये तो अम्मी वाले जायका का बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट, तो कितनी अच्छी आपको अपने आप में एक प्राउड फील होता है, कॉम्प्लीमेंट सा आता है, राइट। मैं ना अपने सारे तमाम देखने वाले व्यूअर्स को ये कहना चाहती हूँ कि आप ना जब भी कोई शादी होकर आए ना उसे प्रेशर नहीं दें, थोड़ा सा टाइम दे, वो ऐसा ऐसा आपका टेस्ट अडॉप्ट कर लेगी, ऐसा नहीं है। थोड़ा टाइम हर चीज़ में लगता है, हाँ। जैसे कि हर चीज़ में टाइम लगता है, जैसे कि प्याज गलने में भी टाइम लेती है, गोश्त भी गलने में टाइम लेता है, तो भैया जीता जागता है, दिल जीतने में भी टाइम लगता है, दिल जीतने में भी मुझे है वो टाइम लेगा, लाजमी सी बात है। हम खाने के है ना, खाने खाने पका के ही बातें करेंगे। चले जी, जब तक प्याज जो है वो देखो, प्याज ने देखो कलर चेंज करना शुरू कर दिया, अब देखो इतना वो नहीं है, प्याज का पानी जो है वो ड्राई होता है और चावलों का पानी बॉइल होता है, आप जाके लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं जाना नहीं है आपने क्योंकि रिवायतों की लज्जत पे बन रही है बड़ी मजेदार सी हैदराबादी बिरयानी। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जनाब वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक, आप देख रहे हैं रिवायतों की लज्जत और रिवायतों की लज्जत में मेरे साथ है मेरी बहुत अच्छी दोस्त सदफ उमैर जो बना रही है हैदराबादी बिरयानी और प्याज जो है वो उसका पानी खुश्क हो गया है यानी कि प्याज में हमें थोड़ा सा पानी ऐड करा था और अब देखो वर्दा इसका ना ये चेक करें आप ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं और इसमें मैंने थोड़ा और ऑयल ऐड किया है ताकि इसमें भुनाई ईजीली हो जाए। अच्छा ऑयल तकरीबन कितना ऐड करना है इसमें? यार अप्रॉक्सीमेटली 2 कप आप डाल सकते हैं। अच्छा 2 कप, बहुत ऑयली भी हो गए तो वो तो चावलों में बहुत ऑयल ऑयल हो जाएगा, हाँ। जाएगा सही। अच्छा आपने ऑयल जो डाला 2 कप ऑयल, यानी कि नॉर्मल बिरयानी में इतना ऑयल डलता है उस हिसाब से आप ऑयल प्रेफर करते हैं वो डाल, बिल्कुल। अच्छा जब पानी खुश्क हो गया तो थोड़ा सा ऑयल डाल के सिर्फ इसकी भुनाई कर रही है प्याज, बिल्कुल, ताकि थोड़ा सा कच्चापन जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। और ये भुनाई हो गई है, अब हम इस पे लहसुन अदरक ऐड करेंगे। अच्छा पहले लहसुन अदरक डालेंगे, हाँ। ना? अच्छा प्याज ब्राउन नहीं हुई है? नहीं, ब्राउन सिर्फ नहीं प्याज है। जो है वो बिल्कुल आप कह सकते हैं ट्रांसलूसेंट हो गई, हाँ, है ट्रांसलूसेंट है इस तरह से हो गई है, राइट, बिल्कुल ऐसा ही है। ओके ठीक है, मैंने इस पे बस लहसुन अदरक डाला है, 2 चमचे डाल लें आप, और इसके बाद यानी कि 1 टेबल स्पून आप भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, हाँ, और इस पे मैंने ऐड किया है अब चिकन, और इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, सही ठीक है, चिकन आपका कलर चेंज, हाँ, नहीं होगा, आप कलर चेंज करें इसका वर्दा, मैं ये राइस डाल दूं, आप राइस देंगे भाई, सदफ है ना तो काम तो मुझे करवाना है ना सदफ ने, देखिए आप सदफ को अजीब सा लग रहा होगा, होस्ट बन के ना खड़ी हुए ना आप, शेफ है शेफ रहें, कभी कभी दिल चाहता है हमारा भी यार कि कोई आए पकाए, पका के हमें खिलाए और हम खाली देखते रहे इंजॉय करें, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा हेल्पिंग हैंड होना चाहिए, हेल्पिंग हैंड तो बस मैं हूँ, आज मैं सू शेफ बनी हुई हूँ सदफ। अच्छा खुशबू कितनी अच्छी आ रही है यहाँ पे खड़े होकर। अच्छा प्याज की ना इस वाली जो जिस तरह से ये प्याज हम लोगों ने जो है सदफ ने वो बताई है आपको भूनना, नॉर्मल ब्राउन प्याज की जो खुशबू होती है उससे इसकी खुशबू बिल्कुल डिफरेंट आ रही है कि इसमें साथ में हरी मिर्ची भी है, एग्जैक्टली, और फ्राई हो रही है, आप देख लो सो करना है, ओके बस वो बॉईल नमक डाल दिया उसमें, हाँ नमक डाला हुआ उसमें। अच्छा उसमें इसके अलावा कुछ और ऐड नहीं करना, कुछ भी नहीं ऐड करना, सही, आप चाहें तो थोड़ा सा हरा धनिया और हरी हरा पुदीना जो होता है पुदीना इसमें डाल सकते हैं डंडियों के समय, वो डंडियों के साथ होता है क्योंकि वो आपको निकालना होता है। अच्छा डंडियाँ निकालनी होती है तो हम फ्रेश पुदीना डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं अगर चाहें, मैं नहीं डालती हूँ, मैं इतने काम बढ़ाती नहीं हूँ, शॉर्टकट शॉर्टकट, ठीक है। अब हम इसमें मसाले ऐड करना शुरू करेंगे। अच्छा कलर चेंज होते ही अब मसाले ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा मसालों में क्या जाएगा? ये गरम मसाला है, गरम मसाला कितना डाला आपने सदा? 1 टीस्पून, ज़्यादा करेंगे तो वो आपको प्रॉब्लम लगेगा, सही। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाला है, मिर्चे 1 टीस्पून है, 1 टीस्पून क्योंकि हरी मिर्चे भी हैं ना इसमें, 1/2 टीस्पून हल्दी है। अच्छा वैसे लाल मिर्च डलती नहीं है लेकिन मैं डालती हूँ, अच्छा हाँ ठीक है,
ठीक है। धनिया पाउडर है? नो, ये सौंफ है। ये कहाँ? अच्छा, ये डालनी है आपने? नहीं, अच्छा ओके। ये ज़ीरा आ गया, ठीक है। दो जायफल, ये जायफल आप साबुत डाल रहे हैं उसको खाली, और जावेत्री, हाँ एक दो तीन, इस तरह थोड़े से तीन भर भर के नहीं डालने, थोड़ा सा गरम मसाला। अच्छा, मिक्स गरम मसाला आप ऐसे ही डाल रहे हो हाथ से? अंदाजे से, थोड़ा ज़्यादा नहीं, समझे कि तीन टेबल स्पून, तीन टेबल स्पून साबुत खड़ा गरम मसाला मिक्स है, जिसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची और लौंग, दालचीनी, काली मिर्च गोल वाली, और जीरा सफेद जीरा। हाँ, जो गरम मसाले के मिक्सचर आता है ना, मिक्सचर आपने ऐसे ही जो है वो इसमें डाल दिया, सेपरेटली नहीं ऐड किया है। अब आप खुशबू बताएं कैसे आ रही है? खुशबू तो बहुत अच्छी आ ही रही है। डिफरेंट आ रही है? डिफरेंट है, डिफरेंट मैंने इसलिए पहले ही बताया, जब मैं चिकन भून रही थी तभी एक आइडिया हो गया था कि खुशबू जो है वो इसकी। अब इस पे हम फटाफट ना विस्क कर देते हैं। हाँ, और फटाफट हमने डालना है, क्योंकि इसी के पानी में चिकन, दही के पानी में चिकन वो गलेगी। हाँ, मैं दही कितना लेना है? ये आधा किलो है। आधा किलो, हाँ। अगर आप चावल बढ़ाएंगे तो ज़ाहिर है दही की क्वांटिटी भी आपकी बढ़ जाएगी। मुझे कपड़ा चाहिए, सही। जब तक मैं दही डाल दूँ इसमें? तुम डाल दो। ओके, चलें जी। सदफ जो है वो अब तक चावल स्ट्रेन आउट कर रही है, मैं ये दही ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। सदफ ने काम तो करवाना है ना मुझसे। बिल्कुल वर्दा, आप इतना सुकून की सांस कैसे ले सकती हैं? बस दोस्तों का यही होता है, हक से लड़ के काम करवाते हैं और डांट के काम करवाते हैं। अच्छा, कितना अच्छा कलर आ गया ये देखें इसका, कोरमा जो हम बना रहे हैं हैदराबादी बिरयानी का। सदफ इसमें भी नॉर्मल लेयरिंग ही होती है? हाँ हाँ, बिल्कुल होती है, जैसे बाकी बिरयानी में हम लेयरिंग कर रहे होते हैं। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, उसके बगैर तो दम का मज़ा ही नहीं आएगा ना। हाँ, वो बिरयानी कहते हैं ना, फिर वो पुलाव लगना शुरू हो जाती है। ज़बरदस्त। अच्छा जी, नहीं जी, अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। और सदफ आप इसको छोड़ना है, कवर करके लिड लगा के पानी ऐड करना है इसमें? नहीं, कुछ भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि दही पानी छोड़ता है, चिकन खुद पानी छोड़ती है, तो आपने बस इसको भूनना है। ये हो गया, अब आप बताएं क्या करना है बस, क्योंकि इसके आगे का प्रोसेस मुझे नहीं पता। जरा सा ये थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए ना। सही, अभी बॉईल नहीं आया इसका। बॉईल आएगा फिर हम क्या करेंगे? फिर हम इसमें डालेंगे धनिया पुदीना। सदफ जब तक इसमें पानी है, बॉईल आता है, हम ब्रेक पे चले जाते हैं। बिल्कुल, चले जाएंगे तो फिर हम धनिया पुदीना डाल देंगे। डन डन डन। चलें जी, जब तक जो है वो कोरमे में आता है बॉईल, आप जाके लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, और फिर वापस आते हैं तो फिर बनाते हैं आगे की हैदराबादी बिरयानी के स्टेप। देखते रहिए रिवायतों की लज्जत। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं रिवायतों की लज्जत, और बिरयानी कहाँ तक पहुँची ये आपको बताएंगी सदफ जी। अच्छा, अब ये देखें वरदा, इसका घी ऊपर आ गया है, ऑयल जो है भुनाई हम कर रहे हैं। अच्छा, मैंने नमक नहीं डाला, तो ये अब हमारे व्यूवर्स भी सोच रहे होंगे कि नमक क्यों नहीं डाला, इसलिए क्योंकि दही जब होता है तो आपको ऐसा लगता है कि नमक कम है और आप डालते ही चले जाते हैं, तो जब सूप जाता है पानी दही का हो जाता है, फिर हम नमक डालते हैं। सही। अच्छा, तेल भी देखो ऊपर आ गया, ऑयल सेपरेट हो गया है। बिल्कुल सेपरेट हो गया है। हाँ सही। अच्छा, वैसे बिरयानी मुझे ना बहुत अच्छी लग रही है, कि जैसे गर्मियों में अक्सर कहते हैं आप तेज़ मसाले या बहुत स्पाइसी मसालेदार चीज़ें नहीं खाई जाती, खाने का दिल नहीं चाहता। मसाले डलते ही नहीं है, मसाले हैं नहीं, बिल्कुल लाइट सा मुझे इसका लग रहा है। अच्छा, ये हम डाल रहे हैं पुदीना और अच्छा हैंडफुल ऑफ मिंट लीव्स ना, पूरा धनिया आप भर, और अगर आप बढ़ाएंगे तो ज़ाहिर है फिर पूरा पूरा डले और ज़्यादा डलेगा, और हमने धनिया डाला है, ठीक है। और अब हम इससे, इसको भी हमने उस वक्त डाला है जब हम भुनाई कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल इसका अरोमा जो है बिल्कुल आखिर में, आखिरी में आप देखो इसकी खुशबू बिल्कुल चेंज हो जाएगी। हाँ, आई खुशबू की, पुदीने की भी अपनी खुशबू जो है वो अलग से आने लग गई। सही, बिल्कुल खुशबू आना शुरू। हाँ, बिल्कुल चेंज हो जाता है। हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, और अच्छा कलर भी कितना अच्छा आ रहा है ना, ये कलरफुल सा लग रहा है ये, बहुत ये तो बहुत आसान है यार बनाना। क्या और ये ख़राब भी नहीं होती, जैसे कि टमाटर वाली जो बिरयानी होती है ना, आप उसे ज़रा सा बाहर छोड़ दें वो ख़राब हो जाती है टमाटर की वजह से। ये नहीं होती है, इसे आप थोड़ी देर छोड़ सकते हैं आराम से। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, तो फिर तो बहुत ही अच्छी, ठीक है। और ये दही के अंदर, दही के अंदर दही की खटास आएगी इसमें। एग्जैक्टली, अब ये हमारा हो गया है,
स्टोव बंद कर दिया यहाँ पे। आप दो लेयर्स लगाती हो इसकी बिरयानी की? मैं छः छः भी लगा लेती हूँ। अच्छा तो आप भी उनमें से हो जिनको लेयरिंग पसंद है ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। अच्छी आधे वाइट चावल मसाले वाले? एग्जैक्टली, लेयरिंग जितनी अच्छी होगी उतनी मिक्सिंग अच्छी होगी। ये हकीकत है, कह देंगे जब बिरयानी जितनी अच्छी, जितनी ज़्यादा लेयर्स लगी हुई होती हैं बिरयानी का, उतना ही ज़्यादा जायका जो है वो मज़ेदार होता है। क्योंकि मसाला आपकी हर तह पे है ना, हर तह पे मसाला, वरना वो एक में कहीं मसाला ज़्यादा कहीं मसाला कम। अच्छा मसाला भी देखो आप इवनली डिवाइड कर रही हो, बोटियाँ भी जो है वो आप ज़्यादा एक साथ नहीं डाल रही। हाँ, थोड़ी थोड़ी करके जो है चारों तरफ उसको आप फैला रहे हो। सही, अब एक सेकेंड, वो थोड़ा सा गर्म है, मैं हेल्प करूँ आपकी इसमें? नहीं नहीं, इट्स ओके। ये लेंगे, आप ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं, ये लो ताकि ईजी हो जाए आपके लिए। ओके, और इसके अब हम लास्ट लेयर लगाएंगे। अच्छा अभी लास्ट लेयरेंगे, इसको फैलाना है मसाले को थोड़ा सा? नहीं, सेंटर में? नहीं, सेंटर में ठीक है। सही। अच्छा लेयरिंग की भी अपनी जो है कि एक आर्ट है, एक प्रॉपर तरीके से कि आपने इक्वली बोटियाँ डिवाइड की हो, मसाला इक्वली डिवाइड किया हो, वरना फिर वो एक जगह ज़्यादा मसाला आता है, एक जगह कम आता है, और फिर आप अच्छी सी मिक्सिंग। लेकिन मिक्स हमारे घर में मैं नहीं करती। अच्छा, मिक्सिंग आप नहीं करती? नहीं, उमेर करते हैं जी। मेरे कितने ज़बरदस्त जो है वो तुक्के लग रहे हैं, क्योंकि इतनी हम लोग ही की होती है 3 किलो 4 किलो 5 किलो, तो मैं तो कर ही नहीं पाती। अच्छा सही, ज़रूरी है पूरा इसमें हम सारे एक साथ डाल दें ऊपर आखिर में, और फिर आखिर में एक और लेयर लगाओगी इसकी? नहीं, अब बस ये डलेगा। अच्छा, हाँ। बस ये आखिर में? अच्छा, आखिर आप ये डालेंगे? ओके, ये रहा। थोड़ा देसी स्टाइल में? देसी स्टाइल में जी, आखिर में चिकन की जो है वो लेयर लगाई है। अगर वो मेरी शो देख रहे होंगे तो मैंने आके फोन करके बोलना है बड़ा तुमने सारी मेरी पोल पट्टियाँ खोल दी इस शो पे। अच्छा, और आप लोग कलर मिक्स करते होंगे पानी में? हाँ, मैं नहीं करती। अच्छा, डायरेक्ट डालती है? हाँ, मैं लोग दूध में भी कलर मिक्स करके डालते हैं? नहीं, मैं नहीं करती क्योंकि मुझे बहुत कलर चाहिए नहीं होता। अच्छा। और ये चावल बहुत होते हैं कि आपने इधर ऊपर ऊपर सिर्फ कलर डाल दिया। अच्छा, ऐसे आपने कलर पाउडर जो है। अच्छा, हैदराबादी बिरयानी में यूजली तरीका ही है ये कि आखिर में आप इस तरह की लेने का? नहीं, लाइट कलर होता है या डार्क कलर होता है? नहीं, कुछ है ऐसा? कुछ भी नहीं है, मोस्टली हैदराबादी बिरयानी में तो कलर ही नहीं डालते। अच्छा, ऐसे ही खाली उसका कलर आता है कोरमे का बस? अच्छा, और अब हम इसका लिड लगा रहे हैं और इसको हम रखेंगे तकरीबन 5-10 मिनट दम पे। ओके, और 10 मिनट पे फिर दम पे आ जाएगी? हाँ, राइट, स्लो फ्लेम पे। आप तवा भी नीचे रख सकते हैं लाइक यूजली जैसे हम घरों में? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। अगर आपका पतीला बहुत बड़ा है और आपको डर है कि नीचे ना लग जाए तो आप बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है जी जनाब, बिरयानी जो है वो दम, जब तक हम उसको दम पे रख दिया है, आप जाके देखिए रेसिपी कार्ड का एक रिकैप। हैदराबादी बिरयानी, अज्जा, चिकन 1 किलो, चावल 1 किलो, दही 1 प्याली, घी 1 प्याली, बारीक कटी प्याज 4 अदद, लौंग 4 अदद, लीमू 6 अदद, हरी मिर्च 6 अदद, साबुत काली मिर्च 8 अदद, छोटी इलायची 8 अदद, बारीक कटा पुदीना 1 गट्ठी, जर्दे का रंग 1 चुटकी, काला जीरा 1 चाय का चम्मच, सिरका 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, नमक हसबे जायका। तरकीब, 1 देगची में 1 किलो गोश्त, पिसी लाल मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, लीमू का रस, छोटी इलायची, आधी खट्टी पुदीना, हरी मिर्च और काली मिर्च, लौंगें डालकर अच्छी तरह मिला लें। मिक्स करके आधे घंटे के लिए रख दें। अब इसे हल्की आंच पर चूल्हे पर रख दें और पानी खुश्क होने पर उतार लें। दूसरी देगची में तेल गरम करके 4 अदद बारीक कटी हुई प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लें और प्याज को अलग करके रख लें। साथ ही गरम तेल में गोश्त डाल दें। अब एक थोड़ी बड़ी देगची में 1 किलो चावल, थोड़ा पुदीना, 2 हरी मिर्च, छोटी इलायची, 1 चाय का चम्मच काला जीरा और हसबे जायका नमक, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका डालकर उबाल लें। फिर चावल वाली देगची में नीचे थोड़ी सी चिकनाई लगा कर आधे चावलों की तह लगा कर तेल मिला हुआ गोश्त फैला कर डाल दें। अब इस पर तली हुई प्याज डाल दें, इसके बाद 2 लीमू का रस और बाकी चावल डाल दें और तह लगा दें। 1 चुटकी जर्दे का रंग मिलाएं और चावलों पर फैला कर डाल दें। फिर ढक कर 5-10 मिनट तेज आंच पर रखें और इसके बाद आंच हल्की करें। भाप आ जाए तो तैयार बिरयानी रायते और सलाद के साथ सर्व करें। जी जनाब, नोट कर ली रेसिपी या फिर एक पिक्चर वगैरह क्लिक कर ली, क्योंकि ये जो रेसिपी है हैदराबादी बिरयानी की, आई एम श्योर ये आपको कहीं और से नहीं मिलेगी और ये एक ऑथेंटिक रेसिपी है हैदराबाद की जो बिरयानी बनती है। राइट, एंड हियर वी गो, वी आर रेडी। इसको हम यहाँ पे ले आते हैं।
ताकि जो है तमाम नाज़रीन देख सकें, उनके मुंह में पानी आए। कितने मज़े की, कितनी खूबसूरत, दिखने में भी कितनी प्रेजेंटेबल है और कितनी अच्छी लग रही है। सही, थैंक यू सो मच अदा, हमारे साथ इतनी ज़बरदस्त एक ट्रेडिशनल रेसिपी जो आपकी सास ने आपको सिखाई थी आपने वो हमारे साथ शेयर करी। एंड वंस अगेन बहुत बहुत टेम्पटिंग है ये, बहुत थैंक यू सो मच। एंड योर शो इज़ वेरी नाइस और बहुत अच्छे से आप कर रहे हैं, सेट बहुत प्यारा है, लाइक द कलर। हां सेट देखो कितना अच्छा, कितना वाइट सेट है चलने के। गुड लक फॉर योर शो। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। अपना बहुत-बहुत ख्याल रखना और आप भी अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा और हैदराबादी दक्कन की बिरयानी बना के जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें दीजिएगा कि कैसी लगी आपको। और इसी के साथ ही इजाजत लूंगी आपसे आज के एपिसोड के लिए, लेकिन इसी प्रॉमिस के साथ फिर मिलेंगे एक नई रिवायती रेसिपी के साथ। टिल देन अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Thank you.